देख रहे हैं घमासान.com, मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। सड़कों पर गाने वाली रानू ने गाया हिमेश रेशमिया के लिए गाना। हिमेश ने निभाया रानू को मौका देने का वादा। कुछ टाइम पहले वेस्ट बंगाल की एक स्टेशन पर गाना गाते हुई रानू मंडल नाम की एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था। रानू ने लता मंगेशकर का गाना गाया था। ये गाना गाकर रानू रातों रात फेमस हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर वो चर्चा में बनी हुई है और रानू का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो आप भी देखिए ये वीडियो। बता दें, रानू मंडल ने अपना पहला ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर हिमेश रेशमिया ने अपनी अपकमिंग फिल्म में रानू मंडल को गाने का ही मौका दिया है और रानू ने इस पहले गाने की वीडियो भी सामने आ गई है। बता दें कि इस वीडियो में रानू मंडल अपनी सिंगिंग का जौहर दिखाती नजर आ रही हैं। दरअसल हिमेश रेशमिया की नई फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर आ रही है। इस फिल्म के लिए रानू ने तेरी मेरी कहानी नाम का गाना गाया है। अब रानू का रिकॉर्डिंग करते वक्त का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो हिमेश रेशमिया के साथ स्टूडियो में सॉन्ग रिकॉर्ड करती नज़र आ रही हैं। वहीं हिमेश उन्हें बार बार अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको एक खास बात ये भी बता दें कि इस बार सोनी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर में रानू मंडल बतौर स्पेशल गेस्ट पहुंचेंगी। यहां वो एक बार फिर लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है गाती नजर आएंगी। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रानू मंडल को केरल, मुंबई और बांग्लादेश से भी परफॉर्म करने के ऑफर आ रहे हैं। रानू मंडल की खूबसूरत आवाज़ को सुनकर लोग उनके फैन होते जा रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।